आदाब नाज़रीन, एसवाईएस चैनल में आपका इस्तकबाल है। अलावा यतीमा डबल प्रे के मौजूदा मुतवली जनाब जाफर अली खान ने अलावा यतीमा के अलम मुबारक की तारीख बताई। आइए सुनते हैं अलावा यतीमा की तारीख मौजूदा मुतवली जाफर अली खान की ज़ुबानी। हमारा चैनल देखने के लिए शुक्रिया। अगली अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना भूलिए। जी, मैं जाफर अली खान हूँ। यहाँ पे तकरीबन 40 साल 50 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं हम लोग। मेरे से पहले बड़े भाई थे और उसके बाद वालिद साहब थे हादी अली खान, उनके बेटे इनायत अली खान थे। मैं जाफर अली खान हूँ। हादी अली खान से पहले शौकत अली खान थे, उससे पहले जमालुल्लाह हुसैनी थे। तकरीबन 4 या 5 हुई हम लोग की जगह। ये 400 साल से ज़्यादा वो ये आशुखाना है खुली खुदशाही दौर का। 9 के दिन रात में अलम खुलते हैं आके और जो है सो यहाँ पर ही रखते हैं अलम और अंदर के ज़रिए ला के इस्ताद करते हैं यहाँ पर। और 10 के दिन रात में 1 बजे तकरीबन 1 बजता है कि अलम ठंडे करते हैं। सारा दिन ज़ायरीन का और मन्नत वालों का तो सो राउंड डाउन रहती है पूरी। सब अपनी अपनी हाजत लेके आते हैं और सब अपने अपने फैज़याब होते हैं। यहाँ मज़हब और मिल्लत की कोई खैर नहीं है, हर मज़हब का आदमी यहाँ पर आ सकता है। ये तकरीबन जो है सो 400 साल से ज़्यादा है खुली खुदशा के तौर चलते हैं। रात में 9 बजे 9 मुहर्रम के दिन रात में शबे आशो बाहर निकलते हैं। जी नहीं, यहाँ इसी के अंदर दायरे में रहते हैं। तो रात भर आप अलम को कहाँ पर यहाँ पर रखते हैं? यहाँ मैं जहाँ ठहरा हूँ यहाँ पर ही रखते हैं अलम। वो तख्त रख के यहाँ ही अलम उठा के यहाँ ही रख देते हैं। फिर 10 मुहर्रम के दिन रात में ठंडे करते हैं अलम। जी जी, 12-1 बजे के बाद सारा दिन नजराना आपके जो सो मन्नतियों का मजमा रहता है, लगावा रहता है। यहाँ पे हर मज़हब का आदमी आता है। हर आशुरखाने में एक बड़ी मजलिस होती है, जैसा जी जी हाँ हाँ। आपके आशुरखाने में वो मजलिस कौन सी तारीख को होती है? जी हाँ, मजलिस तो डेली पहली मुहर्रम से चलती है। वैसे एक नौजी मजलिस होती है, जनानी भी होते हैं, मर्दाने मजलिस होते हैं, जनानी वैसे होते हैं मजलिस, और मर्दाने मजलिस पूरे बड़े मजालिस होते हैं। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक होते हैं, ये बड़े मजालिस हैं। और 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ही आपके आशुरखाने में? हाँ नहीं, बाद में भी होते हैं मजालिस। और 9 ज़िलहिज के दिन बहुत बड़ी मजलिस होती है, सुबह के 8 बजे हज़रत मुस्लिम की शहादत है, जिसके नाम का आशुखाना है। उनके वालिद का जो है सो शहादत का दिन है 9 ज़िलहिज को। 9 ज़िलहिज के दिन सुबह 8 बजे बहुत बड़ी मजलिस होती है आशुखाना में। आपके पास जी जी हाँ हाँ, बाद में जी हाँ। और 8 रबीउल अव्वल को छुपता सिया निकलता है यहाँ हमारे पास। 8 रबीउल अव्वल का जो लास्ट दिन होता है, 8 रबीउल अव्वल को 2 महीने के बाद जो 8वां दिन आता है 8 रबीउल अव्वल को, यहाँ से छुपता दिया इसी अलावा इसे ले निकलता है और दारुशफा अलावा सब तक कुछ जाता है। आखिरी दिन 8 रबीउल अव्वल का होता है। और हम सब जम जो मेरे भाई का बच्चा है, भतीजा है मेरा, हम लोग सब मिलकर जो है सो हमारे भाई इस खिदमत को अंजाम देते हैं।